Hey, hi all. Today we are going to Kolkata with Posto by road. तो अभी 1 अक्टूबर 3:20 ऐसा कुछ हुआ है. हम लोग कुंदनली गेट से निकल गए केआरपुरम की तरफ. केआरपुरम में हम सब मीट करने वाले हैं और 4 कार्स और फैमिलीज आ रहे हैं. तो वहीं से हम सब एक साथ जाएंगे. यहाँ पे हमें ब्रूस और पीच मिले तो हम सब एक साथ ट्रैवल करेंगे कोलकाता तक. तो अभी 4:15 हो गया और हम लोग केआरपुरम से निकल गए तिरुपति की ओर. हम सब बंगालीज इन बेंगलोर का जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ पे मिले और हम लोग ने 1 अक्टूबर जो जो जाने वाले हैं उन लोग मिलके एक ग्रुप बना लिया. और व्हाट्सएप ग्रुप पे ही हम लोग लोकेशन शेयर करते हैं. जैसे कि अभी हम लोग तिरुपति पे मिलने वाले हैं तो तिरुपति का एक लोकेशन सेट कर लिया हम लोगों ने और सब वही पहुँच रहे हैं. जैसे कोई आगे पहुँचेगा कोई पीछे पहुँचेगा तो इसीलिए हम लोगों ने एक डिसाइड कर लिया एक प्लेस और सब वही जा रहे हैं. जैसे कि आप सबको जानते हैं कि पोस्ट को थोड़ा मोशन सिकनेस है तो हम लोग ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ा सकते हैं और हर 2 to 3 hours हम लोग ब्रेक ले रहे हैं. तो अराउंड 6 हमने एक ब्रेक लिया और फिर अराउंड 7:30 वी रीच्ड तिरुपति और हम लोग ब्रेकफास्ट भी वही करने वाले हैं. तभी तिरुपति आ गए. अभी वेट कर रहे हैं. 1-2 कार और आएंगे. 3 कार पहुँच गया है और 2 कार और आने वाले हैं. तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं उन्हीं का. हम लोगों ने साधन स्पाइस करके एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट किया. तो वहाँ पे पेट्स अलाउड नहीं थे तो ब्रूस पीच और पोस्ट तो सब बाहर वेट कर रहे थे. हम लोग एक एक करके गए और ब्रेकफास्ट कर लिया और वहाँ से लगभग 8:30 को हम लोग फिर से निकल गए. रोड्स काफ़ी अच्छे हैं सो पोस्ट भी काफ़ी रिलैक्स्ड है. वो मोस्टली नींद में ही है तो हम लोग अभी थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं 2 घंटे के बाद. अभी हम लोग जा रहे हैं N5 फूड प्लाजा फॉर लंच. तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये टोल गेट के ऊपर है तो टोल गेट आपको क्रॉस नहीं करना है, उसके लेफ्ट से जाना है. और ये N5 फूड प्लाजा पेट फ्रेंडली है. जैसे आप बाहर का ये सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे आप बैठ के खाना भी खा सकते हैं और पेट को भी ले के बैठ सकते हैं. अंदर AC वाले पोर्शन पे आप नहीं जा सकते पेट को लेके. तो मैंने फ़िश लिया था और यहीं पे बैठ के खा लिया मैंने. अभी हम लोग निकल गए और अभी हम लोग थोड़ा 1/2 hour to 1 hour का एक ब्रेक लिया लंच के लिए और फिर से एक 1/2 hour to 40 minutes का ब्रेक लिया फिर से विजयवाड़ा एंट्री करने से पहले. मुझे कुछ काम था तो इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा ब्रेक लिया. अभी विजयवाड़ा एंट्री कर रहे हैं हम लोग. विजयवाड़ा पे ट्रैफिक काफ़ी है तो लगभग 1 घंटा लग गया हमें विजयवाड़ा क्रॉस करने के लिए क्योंकि ट्रैफिक वॉज रियली बैड. हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया है कॉफ़ी ब्रेक ब्रू बज करके एक कैफेटेरिया पे. यहाँ पे पेट फ्रेंडली है. हमने कॉफ़ी वॉफ़ी पी और अराउंड 7 निकल गए यहाँ से. अभी हम लोग राजमुंड्रे की ओर जा रहे हैं. राजमुंड्रे पहुँचने में हमें थोड़ा सा लेट हो गया, ऐसे 9:30 ऐसे में पहुँचे हम लोग. और ये हम लोगों ने एक Airbnb बुक किया था. वो Airbnb में 5 rooms था तो हम 5 rooms 5 लोगों के लिए ले लिया और ये पेट फ्रेंडली था. यहाँ पर पार्किंग भी था तो नीचे सारे गाड़ी पार्क करके हम लोग ऊपर रह रहे थे. Day 2 वी हैव टू रीच भुवनेश्वर टुडे. तो वी लेफ्ट अराउंड 6:37. हम लोग पहले एक छोटे से चाय के टपरी में गए, वहाँ पे चाय पी और थोड़ा इडली खा लिया. तो हम लोगों में से कुछ ने फिर ब्रेकफास्ट के लिए नहीं रुके क्योंकि हम लोगों का वो इडली और चाय काफ़ी हेवी था. तो अभी हम लोग जा रहे हैं भुवनेश्वर की ओर. विजयवाड़ा क्रॉस किया और ये रोड्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. द रोड्स वर रियली रियली ग्रेट. पोस्ट तो भी काफ़ी एंजॉय कर रहा था. हम लोग सब ने रुका, थोड़ा फ़ोटो वोटो खींचे. इट द रोड्स आर रियली ग्रेट. सो एक विजयवाड़ा क्रॉस करने के बाद एक छोटा सा डाइवर्शन है. आधा 1 घंटे का थोड़ा सा रोड का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा स्लो हो गए अराउंड 12. बाकी का रोड तो पूरा मक्खन था बॉस. इट वाज रियली रियली स्मूथ एंड इट वाज ग्रेट. तो पोस्तों के लिए भी हमें ज़्यादा रुकना नहीं पड़ा. जैसे हम लोग ऐसे ही फ़ोटो वोटो के लिए रुक रहे थे लेकिन पोस्तों के मोशन सिकनेस की वजह से हम लोग जो रुकते हैं ना रोड्स ख़राब हो तो, लेकिन वो भी रुकना नहीं पड़ा ज़्यादा.
बस वो जब रोड खराब था तो जस्ट मेक श्योर कि आपका पेट कामली बैठा रहे। अभी अराउंड 2 बज रहे हैं और हमें खाने का कोई ढंग का जगह नहीं मिल रहा है और पोस्ट तो मोस्टली कैंड फूड पे है, तो वो रात को जाके एक पूरा 400 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली कैंड फूड दे देती हूँ, वो आधा खाता है कुछ फेंकता है ऐसा चलता है उसका। और मॉर्निंग निकलने से 1 घंटे पहले मैं उसे थोड़ा सा पपी पैक रॉयल केनन का देती हूँ, वो एकदम थोड़ा सा देती हूँ क्योंकि उसको मोशन सिकनेस है, तो वो चलते हुए रोड से मतलब लॉन्ग ड्राइव से पहले उसे मैं नहीं खिलाती हूँ ज़्यादा। आप लोगों ने देखा होगा मेरा रील इंस्टाग्राम पे लॉन्ग ड्राइव से रिलेटेड। तो अभी हम लोग रुके हैं एक ढाबे पे अराउंड 6, तो हम में से किसी ने भी लंच नहीं किया आज, सब केक और बिस्किट पे सरवाइव कर गए। तो अभी इस ढाबे पे हम लोगों ने थोड़ा चाय और पकोड़े खाए। ये एक्चुअली बार का ढाबा है, तो अगर आप अकेले हो तो आई विल सजेस्ट नॉट टू स्टॉप हियर। अराउंड 9:30 वी रीच्ड भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में हम लोग यहाँ रह रहे हैं होटल डूरिन करके एक होटल है, वो प्रेट फ्रेंडली है, तो हम लोग यहीं पे रुके। और अगले दिन हम लोगों ने सुबह का ब्रेकफास्ट यहीं से किया और फिर निकल गए यहाँ से। Day 3, today we will be reaching Kolkata। तो आज हम सब जो ये कार्स निकल रहे हैं ये हमारे गैंग के हैं, ब्रूस और पीच पीनी में है, तो हम सब आज कोलकाता के दौर निकल गए भुवनेश्वर से। भुवनेश्वर से निकल के थोड़ी देर आके रोड्स का थोड़ा डाइवर्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे रोड्स अंडर कंस्ट्रक्शन भी है कुछ रोड्स पे, तो काफ़ी गड्ढे वड्ढे है, तो अराउंड 100 किलोमीटर्स का रोड काफ़ी ख़राब है, तो हम लोग काफ़ी स्लो हो गए। तो जब भी कार स्लो होता है तो पुस्तो ऐसे ही करता है, पुस्तो आगे आ जाता है कि अगर कार स्लो चला रहे हो तो मुझे पेट करते हुए चलाओ, और वो थोड़ा बोर्ड भी है आज क्योंकि 3 दिन से ऐसे ही जा रहा है बेचारा। हाँ, रात को तो वो खेल लेता है ब्रूस बीच इन सब के साथ, लेकिन सुबह का टाइम थोड़ा बोरिंग होता है उसके लिए। लॉन्ग जर्नी में अगर आपका पेट को मोशन सिकनेस है और आप उसे ज़्यादा ट्रीट्स या फूड नहीं दे सकते तो ये यक चिवी दे सकते हैं, ये डॉग्सी का है, तो ये काफ़ी अच्छा है। अभी हम लोग आ गए मधुबन होटल करके एक अंडर कंस्ट्रक्शन होटल पे, ये हाईवे भी है और यहाँ पे पेट फ्रेंडली है, तो यहाँ पे हम लोग अंदर खाना खा रहे थे, तो बाहर पोस्तो और ब्रूस पीच सब वेट कर रहे हैं। यहाँ पे पोस्तो ने थोड़ा सा मतलब ट्रीट वगैरह खाया क्योंकि वो अभी एक ही मील खा रहा है, तो दिन भर उसे थोड़ा बहुत मैं ट्रीट्स और वाटर देती रहती हूँ। तो वहाँ से अराउंड 3:30 हम लोग निकल गए, निकलते ही बारिश स्टार्ट हो गया, कुछ जगह पे बारिश काफ़ी हो रहा था तो हम विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं था, तो हम लोगों को थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ा। फिर एंट्री लेने से पहले कोलकाता एंट्री लेने से पहले काशफुल दिखा मुझे, एंड बंगालीज का ये इमोशनल है थोड़ा, पूजा से पहले ये फ्लावर्स एंड तो अभी हम लोग कोलाघाट क्रॉस कर रहे हैं, और कोलाघाट क्रॉस करने के बाद वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक था, कोलाघाट क्रॉस करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग एक तंदूरी चाय पॉइंट पे मिलेंगे सब, और वहाँ पे मिलने के बाद अपने अपने घर की ओर निकल जाएंगे, क्योंकि जैसे हम लोग निकलेंगे साउथ की ओर थोड़े कुछ लोग और दूसरी ओर। तो अराउंड 7 वी मेट एट तंदूरी टी पॉइंट, वी रीच्ड स्पीस
Park, Kolkata. Also, would you like to tell something?